गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, राइट बच्चों? इज इट ओके? और इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया? सर देखिए, सिंपल सी कहानी स्टडी की हमने कि हमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना ही बनाना है, ये तो कन्फर्म है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन साथ साथ हमें क्या मिलेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। मेन पर्पज क्या है बच्चों? सर मेन पर्पज एक ही है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। मेन पर्पज इज ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, और लास्ट चैप्टर में भी यही था सर, ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, राइट स्टूडेंट्स? इज इट ओके? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर में, आपने क्या चीज स्पेशल देखी कि सर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, इसमें एडजस्टमेंट्स ने एडजस्टमेंट्स एड ऑन हो गए, राइट? एडजस्टमेंट कौन कौन से पढ़े बच्चों, आपने बताइए। सर हमने एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं अभी तक, नंबर वन क्लोजिंग स्टॉक, जिसके दो इफेक्ट हमें याद है अच्छे से। सर क्या क्या होते हैं दो इफेक्ट बताइए बेटा। नंबर वन सर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, प्लस बैलेंस शीट की असेट में आता है। नंबर टू हमने क्या पढ़ा एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी, व्हाटएवर एनीथिंग, सर ऐड कर देंगे। सर इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक्सपेंस आपने कम पे किया, या तो वो ट्रेडिंग में आता है या वो कहां आता है, पीएनएल में आता है, अगर आपने कुछ कम पे किया तो ऐड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा इफेक्ट सर ये लायबिलिटीज में शो होगा, कहां शो होता है बच्चों, ये लायबिलिटीज में, इज इट ओके? ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट हमने पढ़ा सर, एक्सपेंसेस में दो ही गड़बड़ होती है, या तो कम पे किया या ज्यादा पे किया। सर कम पे किया तो दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और अगर ज्यादा पे किया दैट इज कंसिडर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस आपने अभी से पे कर दिया। और अकाउंट्स बनाने होते हैं कौन से बेसिस के अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग पीएनएल बनते हैं एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग। व्हाट इज एक्रूवल बेसिस, सर डेबिट और क्रेडिट में एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल रेवेन्यूज दिखानी है, सो दैट एक्चुअल नेट प्रॉफिट का पता लगा सके, सिंपल सी बात है, खत्म, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मींस हमने ज्यादा पे कर दिया। सर कौन सा एक्सपेंस, मे बी वो ट्रेडिंग में आता है, मे बी वो पीएनएल में आता है, इन दोनों में से कहीं पे भी आ रहा है, और अगर आपने कुछ ज्यादा पे कर दिया सर लेस कर देंगे, एज वेल एज सर वो हमारी असेट बन जाएगा। और मैंने कई बार आपको ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों कि आपने नेक्स्ट ईयर का सपोज कुछ स्कूल का फीस, या अगर आप बिजनेसमैन है तो दुकान का किराया, एम्प्लॉयज की सैलरी, अगर कुछ एडवांस पे कर दी वो आपकी असेट बन जाएगी, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे इट अगेन इन दी नेक्स्ट ईयर, राइट? इनकम की बात करें, यहां पर भी दो घोटाले आपको गड़बड़ दिखती है, या तो इनकम कम रिसीव हुई या इनकम ज्यादा रिसीव हुई। कम रिसीव हुई विच इज नोन एज अक्रूड इनकम, या फिर इनकम रिसीवेबल भी बोलते हैं। जब तक आप इसको एक छोटे बच्चे के नजरिए से समझेंगे आपको लगेगा कि कुछ याद करना है, और जैसे जैसे आप इसको बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, 100% इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि सर हमारा मेन थीम है हमें एक्चुअल सिनेरियो दिखाना है, कैश को थोड़ा साइड में रखना है, कैश हो सकता है कम पे किया या ज्यादा पे किया, या कम रिसीव हुआ ज्यादा रिसीव हुआ, वी हैव टू शो द एक्चुअल इनकम। तो पहला अक्रूड इनकम, दूसरा अर्नड इनकम, इनके एक एक दो दो और भी नाम है, लाइक अक्रूड इनकम इज ऑल्सो नोन एज इनकम रिसीवेबल, या एक और नाम है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली बट पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ, इट मींस पैसा कुछ कम रिसीव हुआ। अर्नर इनकम मींस सर द इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस, द इनकम विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर इन एडवांस, तो सर ये ज्यादा रिसीव हो गया, क्या करेंगे? सर अगर कम रिसीव हुआ तो उसे एड कर देंगे, कोई बात नहीं, एज वेल एज वो आपकी असेट बन जाएगी। आज कौन सी डेट है, 28th है आज बच्चों, राइट? और दो दिन बाद या तीन दिन बाद क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी सैलरी अक्रूड कर ली है स्कूल से, मतलब कमा ली है, बट कैश अभी तक रिसीव हो जाएगा, इसमें क्या टेंशन की बात है, ये मेरी इनकम में ऐड कर सकता हूं मैं बिल्कुल, और असेट भी मान सकता हूं क्योंकि अभी मुझे कैश नहीं मिला, कैश मिलेगा मे बी 5th, 10th, 15th, व्हाटएवर द डेट विल बी, राइट? अर्न ऑन इनकम, अगर नेक्स्ट ईयर का इनकम मुझे अभी से मिल गया एडवांस, सर ये हमारे करंट ईयर की इनकम नहीं है इसलिए इसे लेस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, एज इट इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, राइट बच्चों? ठीक है,
आगे चलते हैं सर, इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? अगर एडवांस पैसा मिल जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बन जाती है? लैग। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कुछ एडजस्टमेंट के सीक्वेंस में गड़बड़ कर दिया, उनको करेक्ट कर देते हैं बच्चों। फोर्थ एडजस्टमेंट था हमारा अक्रूड इनकम, फिफ्थ एडजस्टमेंट ऑनर इनकम, पांच एडजस्टमेंट। इसके बाद तीन और हमने स्टडी कर लिए थे, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने सर? डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन सर? एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो हमेशा फिक्स असेट पे लगता है, और इससे फिक्स असेट की वैल्यू क्या हो जाती है सर? रिड्यूस हो जाती है, राइट? आप सभी जो भी व्हीकल यूज करते हैं उन सबकी भी वैल्यू हर साल क्या होती है? डिक्रीज होती है, सिंपल सी बात। ठीक है सर, इसके दो इंपैक्ट क्या होते हैं? सबसे पहले बैलेंस शीट की असेट साइड में फिक्स असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो वहां से आप फिक्स असेट में से डिप्रिसिएशन को लेस करेंगे, ये इसका पहला इंपैक्ट। दूसरा एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन है, एक्सपेंडिचर है, भले नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और इस वर्ड को भूलना मत, नॉन कैश है तो क्या हुआ? बिजनेसमैन, अगर आप जो भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर आपके घर में कोई कार है या कोई व्हीकल है, मान के चलिए मैक्सिमम कंडीशंस में आपके पेरेंट्स ने अपने घर के नाम से नहीं ली होगी। किस नाम से ली होगी? दुकान के नाम से वो व्हीकल लिया होगा 100%। आप चेक करना, आप सब ऑब्जर्व करना। ऐसा क्यों? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन को बाद में बिजनेसमैन कहां शो करता है सर? अपने एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। कहां शो करता है बेटा बिजनेसमैन डेप्रिसिएशन को? सर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और ये चीटिंग है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैक्सिमम बिजनेसमैन यूज टू डू द सेम थिंग। वो जान के डिप्रिसिएशन और भी ज्यादा दिखा देते हैं कई बार, ऐसा भी ब्लफ भी चलता है डिप्रिसिएशन में। ठीक है ना, ये धीरे धीरे आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा। हाँ एक बात और है कि अगर गाड़ी की अगर किसी भी मशीन का वैल्यू जो भी है सपोज 100% है, तो डिप्रिसिएशन मैक्स टू मैक्स कितना लगा सकते हैं? 100%। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की मशीन है, अगर आप 20% डैप दिखाते हैं तो 5 साल तक दिखा सकते हैं, 25% दिखाएंगे तो 4 साल तक, 10% दिखाएंगे तो 10 ईयर्स तक। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सर इस चैप्टर की कि हमें तो दो इफेक्ट बता दो। इफेक्ट आर वेरी इजी। नंबर वन फिक्स एसेट की वैल्यू रिड्यूस की, नंबर टू पीएल के डेबिट साइड में। चलिए सर ये भी हो गया। नेक्स्ट सेवंथ एडजस्टमेंट, आप सोचिए वापिस मैं आपको रिविजन करा रहा हूं, जिसकी रिक्वायरमेंट आई डोंट नो सभी को है या नहीं है, बट फिर भी करा रहा हूं ताकि एक्सीलेंस आ जाए आपके पास। नेक्स्ट हमने एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ा था आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा लगाया वो मालिक ने लगाया। कैपिटल किसने लगाया बिजनेस में? कैपिटल कौन लगाता है सर? मालिक लगाता है, ऑनर। कौन लगाता है बच्चों? ऑनर। तो ऑनर कहता है भैया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करो, दोनों अलग अलग है। मैंने तेरे ऊपर पैसा लगाया, अगर मैं बैंक में लगाता तो बैंक भी मुझे क्या देता? इंटरेस्ट देता। तो बैंक घर पे तो आके नहीं देगा, आपका अकाउंट प्लस करेगा डेफिनेटली। यहां पर इसका सेकंड इफेक्ट हम कैपिटल में क्या कर सकते हैं? प्लस। और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहां आता है सर? पीएनएल के डेबिट साइड में। अब एक बात सोचिए, अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, इफ यू हैव डिपॉजिटेड मनी इन बैंक, अगर आपने मनी डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक भी आपको क्या देगा बदले में? सर बैंक भी इंटरेस्ट पे करेगा। क्या पे करेगा आपको बेटा? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। और वो आपके अकाउंट में उस इंटरेस्ट को क्या कर देगा? प्लस। हो गया ना दो इंपैक्ट बैंक के हिसाब से, एक तो एक्सपेंस हो गया और बैंक आपके घर पे देने नहीं आएगा, इंटरेस्ट आपके अकाउंट में प्लस कर देगा। इन द सेम मैनर बिजनेस भी क्या करता है सर? बिजनेस की बुक्स के अकॉर्डिंग हम ये दो ट्रीटमेंट दिखाते हैं। बिजनेस अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नंबर वन पीएनएल के डेबिट में एक्सपेंस मान के, और नंबर टू कैपिटल में प्लस कर देते हैं। कैपिटल किसका है? मालिक का है, बिजनेस का नहीं है, मालिक ने पैसा लगाया। दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ परमानेंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और इसके बाद हमने एक लास्ट एट एडजस्टमेंट पढ़ा था, और वो क्या था बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो 100% रिवर्स है। किसका रिवर्स है? रिवर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर सीधा सीधा दो इफेक्ट बता दीजिए पहले सर। पहला इफेक्ट सर वो कैपिटल में से प्लस हुआ था, तो ये कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला, लोन लिया, तो बैंक उस लोन के ऊपर आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट।
लेकिन घर तो लेने नहीं आएगा, आपके अकाउंट से पैसे क्या कर लेगा, डिडक्ट कर देगा। यहाँ पर बिजनेस ने हमारी कैपिटल क्या कर दी, माइनस, और ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। इट इज प्रॉफिट फॉर बिजनेस, इट इज प्रॉफिट फॉर बिजनेस। और बिजनेस के लिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहाँ आता है, पी एंड एल के क्रेडिट में, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर ये तो बड़ा इजी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीआर, खत्म। ये 8 एडजस्टमेंट्स हमने पढ़ लिए थे। अब मैं आज नया एक स्टार्ट कर रहा हूं, 9th एडजस्टमेंट, राइट। सो वेलकम, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन द न्यू क्लास, ऑफिशियली अब स्टार्ट हो रही है, आप कह सकते हैं 9th एडजस्टमेंट। सर ये क्या है, इट इज रिलेटेड टू परचेजेस, रिलेटेड टू परचेजेस। अब क्या चीज है ये, थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, आइए पढ़ते हैं साथ में। एज वी स्टडीड इन जर्नल, अब जिन बच्चों को जर्नल थोड़ा बहुत याद है तो वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे डेफिनेटली। एज वी स्टडीड इन जर्नल दैट परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, परचेज आप हमेशा डेबिट करते थे इफ यू रिमेंबर, बट इफ देयर इज अ लॉस इन गुड्स, बट इफ देयर इज अ लॉस इन गुड्स, अगर गुड्स में कभी भी लॉस हो जाता था याद कीजिए, तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते थे। हम परचेजेस अकाउंट को क्या करते थे बच्चों, क्रेडिट। अगर ये चीज याद है, जैसे गुड्स चैरिटी में दिया, गुड्स में आग लग गई, गुड्स चोरी हो गया, इस टाइप का कुछ भी, तो उस कंडीशन में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते थे। अब सर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर तो अकाउंट्स बनाने हमें ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट, अब यहाँ पे क्या ट्रेडिंग करें, क्या क्या डेबिट करें, क्या क्रेडिट करें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बहुत अच्छा रूल है कि अगर कभी भी गुड्स में लॉस हो रहा है बच्चों, अगर गुड्स में किसी भी प्रकार से लॉस हो रहा है, तो उसे हम परचेज में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इनडायरेक्टली वो क्रेडिट हो गया ऑटोमेटिकली। आप जरा सोचिए, जर्नल में आप परचेज डेबिट करते थे और लॉस होता था कहीं पे भी गुड्स में, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सर यहाँ पर अगर गुड्स में कभी भी लॉस होगा तो हम परचेज में से उसे माइनस कर देंगे, वो भी कौन सा प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ना कि सेल्स प्राइस। एग्जाम्पल दू, मैं एग्जाम्पल दू ताकि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर वन, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। मतलब ये कई सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आपने कर लिए तो आज एक बहुत अच्छा एक डिस्कशन हो जाएगा हमारे बीच। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 5,000 रुपीज, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्लास शुरू हो चुकी है, तो हमें इस स्टेप के सारे पॉइंट्स डिस्कस करने और इनके इफेक्ट्स भी डिस्कस करने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके क्या इफेक्ट आएंगे। सर चेक करते हैं, सोचिए जरा क्या इफेक्ट आएंगे, ए इफेक्ट और बी इफेक्ट। सोचिए बच्चों, आपने गुड्स चैरिटी में दिया 5,000 रुपीज, क्या चैरिटी में दिया, गुड्स, तो सर गुड्स में लॉस हो गया, गुड्स में क्या हो गया, लॉस हो गया सर, गुड्स में लॉस, क्योंकि गुड्स हमने खरीदे ही क्यों थे, टू सेल आउट, गुड्स क्यों परचेज किए थे, टू सेल आउट। लेकिन सर यहां तो हमने सेल किया नहीं, यहां तो हमने गुड्स को चैरिटी में दे दिया, तो पहला इफेक्ट परचेज अकाउंट में से 5,000 रुपीज क्या कर देंगे, माइनस, और डायलॉग क्या लिखेंगे, चैरिटी। परचेज जहां आप लिखते हैं, परचेज कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग के डीआर में, फिर रिमेंबर वहां पर जैसे परचेज रिटर्न माइनस होता है, वैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी भी माइनस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट, चैरिटी क्या है, सर चैरिटी एज एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है कि बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंस। अब ट्रेडिंग में तो आ नहीं सकता कि गुड्स बनानी है तो मार्केट में चैरिटी देनी पड़ेगी, ये तो बेवकूफों वाली बात है सर, ये तो मन की संतुष्टि के लिए हमने ऐसी चैरिटी या फ्री सैंपल, सेम इफेक्ट विद फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपलिंग की या चैरिटी दिया। दूसरा इफेक्ट कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड, कहां आएगा बच्चों, इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर, अगर हमने गुड्स मार्केट में दिए एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, तो जरा खुद सोचिए, आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए
फ्री सैंपल मार्केट में अपना सेल इंक्रीज करने के लिए कई बार करना भी पड़ता है, फ्री सैंपलिंग करनी पड़ती है। पहला इफेक्ट क्या होगा सर, परचेज में से तो माइनस होगा ही होगा सर, क्योंकि गुड्स में क्या हो रहा है लॉस, गुड्स में क्या हो रहा है लॉस। और दूसरा फ्री सैंपल किया क्या हो गया सर, एज एन एक्सपेंस हो गया सर, और एक्सपेंस हुआ है तो कहां आएगा पीएनएल के डीआर। ये पहला सिचुएशन लिया बेटा मैंने, पहला सिचुएशन। आइए दूसरा लेते हैं, अभी फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे मैज्यूम, डोंट वरी। सेकंड लेते हैं गुड्स, ये आपने स्टार्टिंग में भी पढ़े थे, ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकल है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आपने गुड्स विड्रॉ किए बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, या फिर गिवन अवे एज अ गिफ्ट टू फ्रेंड, गिवन अवे एज अ गिफ्ट। आता था कि हमने अपने गिफ्ट दे दिया अपने फ्रेंड को बिजनेस से, आपका मोबाइल का शोरूम है और आपका या आपकी फ्रेंड आई या आया और आपने उसको क्या दे दिया, मोबाइल गिफ्ट में दे दिया, राइट? ठीक है, अब बिजनेस का कोई दोस्त नहीं होता, बिजनेस बहुत सेल्फिश है क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट? तो हमने क्या किया, मालिक ने ये एक्टिविटी की है, मालिक ने, ऑनर ने, गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट कहिए या पर्सनल यूज कहिए, इन दोनों ही कंडीशन में क्या वर्ड यूज होगा सर, ड्रॉइंग्स, सर ड्रॉइंग्स वर्ड यूज होगा, राइट? तो इसके दो इफेक्ट क्या आने चाहिए, रेज योर हैंड, आप में से कोई बताना चाहेगा, रेज योर हैंड, क्या दो इंपैक्ट हो सकते हैं, जरा सोचिए, ए इफेक्ट बी इफेक्ट। यस रेज योर हैंड बच्चों, यस एनीबॉडी हु वांट्स टू ट्राई, अमाउंट भी ले लेते हैं। लो आपने 500 रुपीज का गुड्स था वो ड्रॉइंग्स कर लिया या अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, बताइए व्हाट शुड बी द आंसर, बोलो भाई बोलो, अनम्यूट कर सकते हैं। यस हिमाक्षी, वाओ वेरी गुड, यस हिमाक्षी, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट हिमाक्षी एक ही इफेक्ट बताया बेटा आपने तो, और वो तो सिंगल एंट्री सिस्टम, वो एक चैप्टर बन जाएगा काउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो मुझे कराना है इन विंटर ब्रेक के अंदर। आपको कैपिटल में से तो माइनस होगा सर, ये तो कंफर्म है, कैपिटल सर ड्राइंग से सर, कैपिटल में से। यस मनीष, सेकंड इंपैक्ट क्या होगा? यस सुशान सर, पीएनएल के सीआर साइड में, बिल्कुल गलत है बेटा, आप समझे नहीं सब बच्चों, आपने स्टार्टिंग से देखा ही नहीं। अभी हमारा मेन डिस्कशन क्या चल रहा है आप जरा देखिए, ये नाइन्थ के अंदर की कहानी चल रही है रिलेटेड टू परचेज। अगर गुड्स में कभी भी लॉस होगा तो परचेज माइनस होगा ही होगा, आप जरा देखिए, गुड्स में कभी भी लॉस होगा स्टूडेंट्स तो परचेज अकाउंट तो माइनस होगा ही होगा, कंफर्म, इज इट ओके? अब आप बताइए, भले आप गुड्स चैरिटी में दे रहे, भले गिफ्ट में दे रहे, भले आग लग गई गुड्स में, कुछ भी चोरी हो गया, किसी भी कंडीशन में परचेज तो माइनस होगा ही होगा, दैट्स इट, फिनिश। चले आगे, चलिए सर, पहला हमने पढ़ा गुड्स हमने चैरिटी में दिया या फ्री सैंपल में दिया, एक्सपेंस है पीएनएल के डेबिट में आएगा और परचेज में से तो माइनस होगा ही होगा सर। अब हम कह रहे हैं हमने गुड्स विड्रॉ किया तो सर कैपिटल में से माइनस होगा, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, राइट, या गिफ्ट दिया है, और गुड्स में लॉस भी तो हो रहा है भाई, गुड्स में लॉस भी तो हो रहा है, और गुड्स में क्योंकि गुड्स आपने क्यों परचेज किया, टू सेल आउट, टू सेल अगेन इन द मार्केट, लेकिन सर ये तो सेल किया ही नहीं, गुड्स में लॉस हो गया, परचेज अकाउंट में से क्या कर देंगे माइनस। और ले आगे एक और डिस्कशन करें, अच्छा पॉइंट, आइए नेक्स्ट कैटेगरी। अब देखिए, अब इनके डैडी आ रहे हैं, अब बेटा इनके डैडी आ रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से समझना, गुड्स Lost by fire. If you remember, जब आपने जर्नल पढ़ा था तब भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, 10,000 का गुड्स में आग लग गया और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 7,000 का और पैसे दे दिए, मतलब कई बार पूरे पैसे नहीं मिलते। ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके कभी दो इफेक्ट आते और कभी तीन इफेक्ट आते, इट डिपेंड्स। नंबर वन, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, सर अगर केवल इतना दे रखा है तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे सर, क्या लगता है आपको? यस बच्चों, कौन ट्राई करेगा गुड्स लॉस बाय फायर, बताइए भाई, व्हाट शुड बी द टू इंपैक्ट्स, सोचो सोचो सोचो,
आग लग गई आग, इस एडजस्टमेंट का नाम है आग लग गई आग, जैसे कई बार रिजल्ट के टाइम लगती है, ठीक है ना, ये पेरेंट्स लगा देते हैं ना कई बार आग थोड़ी सी, बेटा कर चल तू आज, परचेज में से माइनस होएगा, परचेज में से माइनस, ये तो सर होना ही होना है, कंफर्म है, वेरी गुड। व्हाट अबाउट सेकंड इंपैक्ट? सर पीएनएल के डीआर में, पीएनएल के डीआर में आएगा, बिल्कुल सर, पीएनएल के डीआर साइड में, क्योंकि लॉस सर नाम में ही दिख रहा है, लॉस हो गया सर, लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन एक बात कंफर्म, सबसे पहले परचेज में से तो गुड्स का नाम आते ही, कुछ भी गुड्स के साथ दुर्घटना होती है, बेचारा गुड्स जो खरीदा गया था बेचने के लिए, बट आपने कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हरकतें कर दी, या तो फ्रेंड को गिफ्ट दे दिया, या आग लग गई, चोरी हो गया, घर पे ले गए, व्हाटएवर, या चैरिटी में दे दिया और वो सेल आउट नहीं हो पाया, तो परचेज में से तो माइनस होगा ही होगा। सेकेंड इम्पैक्ट लॉस है तो पीनल के डेबिट साइड में। अब आइए थर्ड का ए है ये, अब थर्ड के बी में आते हैं, थर्ड के बी में सर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं मैं आपको, लॉस हुआ है 20,000 का, कितने का लॉस हुआ, और ये एडजस्टमेंट दिखेगा कंफर्म आपके बोर्ड के पेपर में, 11th के पेपर में दिखेगा कंफर्म, अभी से समझ लो पेपर आउट हो रहा है, ये कंफर्म दिखेगा, और बी वाला दिखेगा, जो बी लिख रहा हूं ना यही दिखेगा, अमाउंट चेंज होगी डेफिनेटली, अमाउंट कुछ भी हो सकती है, गुड्स लॉस बाय फायर 20,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड, रुकना एक मिनट, द क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर 80% अमाउंट। अच्छा कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि पैसे दे दिए, अभी अभी आग लगी थी और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, अभी तो पेमेंट नहीं किया है। देखिए मैं हिंट में भी लिख देता हूं, ये हमेशा आपको मानना होगा, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि पैसे मिल गए, आग लगी थी लेकिन नो अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, ऐसा ही हम मानते हैं, आपकी बुक्स में आप चेक कर सकते हो, राइट बेटा। अब बताइए इसका क्या हिसाब किताब होना चाहिए, सर आग लगी 20,000 की, इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एक्सेप्ट कर रही है 80%, सर व्हाट अबाउट 20%, वो तो लॉस हो गया हमें, दैट इज अवर लॉस, तो फिर अब क्या करें सर, कैसे करें? अब इस कंडीशन में इसके तीन इफेक्ट होंगे, ये एक ऐसा एडजस्टमेंट, और कोई डरने की बात नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंटली देखें तो यू विल एंजॉय, राइट। पहला इफेक्ट सर परचेज में से तो माइनस होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है ना, ये तो सारे सिचुएशंस में गुड्स में कभी भी कुछ लॉस हो परचेज में से माइनस होगा ही होगा, सर लिखेंगे क्या, लॉस बाय फायर, आग लग गई आग, अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो तो आप लिख सकते हैं आग लग गई आग, ठीक है, कितने रुपीस का आग लगा, लॉस लगा सर 20,000 रुपीस का, डन बच्चों। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है 80% दे देंगे, अभी तक दिए नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी असेट की तरह ट्रीट की जाएगी, किसकी तरह, असेट की तरह, आप बैलेंस शीट की असेट में एक वर्ड लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, कितने रुपीस का मिल जाएगा, 80% बोले तो 16,000, मिला नहीं है इसलिए अभी असेट में लिख दिया, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि कैश मिल गया तो असेट में ना लिख के आप उसको बैंक बैलेंस के अंदर ऐड कर सकते हैं, चलेगा, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पैसे मिल गए तो बैंक बैलेंस, आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आप बैंक बैलेंस लिखते हैं ना बेटा, कभी कैश गिवन होता है, कभी बैंक गिवन होता है, उसके नीचे स्टॉक डेटर्स करंट असेट लिखते हैं, तो अगर गलती से भी हम आपको ऐसा दे दे कि पैसे मिल गए तो ठीक है, मिल गए तो फिर प्लस कर देना बैंक बैलेंस, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, आप किसी भी बुक में रिसर्च करेंगे आपको एक ही चीज दिखेगी कि ईयर के एंड में आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी ने इतना परसेंट क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। तीसरा इफेक्ट क्या आप में से कोई बता सकता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तीसरा इफेक्ट क्या होगा जरा सोचिए। सर पीएनएल के डीआर में आएगा 4,000। 4,000 सर 20,000 का गुड्स था सर, आग लग गई सर, परचेज में से तो माइनस कर दिया क्योंकि ये गुड्स तो राख हो गया है ना सर, और इंश्योरेंस कंपनी सर कितनी गंदी है सर, ओनली 16,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, राइट बेटा।
तो सर 4000 तो डूब गया, हमें कम मिले हैं, वो 4000 का लॉस आप कहां शो करेंगे? बिल्कुल करेक्ट है, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, और लिखेंगे क्या एक ही डायलॉग, टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर 4000। अगर आप में से जो बच्चे इतना अच्छा ये ऑनलाइन अट्रैक्टिव क्लास अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में ही समझ आ जाता है, अब आपका फर्स्ट क्या बनता है कि आप अपनी बुक में इलस्ट्रेशन ढूंढिए, ऐसे ढूंढिए, पेज टर्न कीजिए एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में, हो सकता है 6, 7, 8 के आसपास आपको कहीं दिख जाए ऐसा क्वेश्चन जिसमें आग लग गई है, और वैसे एडजस्टमेंट देख के आप इस फाइल को चेक कीजिए, अगर चेंज हो जाए तो हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे, बात ही खत्म, बिकॉज हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम तो अकाउंट्स के रूल्स बता रहे हैं सीधी सी बात, और जो चेंज नहीं होते, राइट बच्चों? हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि मान लो पूरा पैसा क्लेम के लिए एक्सेप्टेबल हो गया, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है पूरे पैसे दे देंगे, तो कितने इफेक्ट होंगे? दो, पहला परचेज में से माइनस, और बैलेंस शीट की एसेट में पूरा अमाउंट, कोई टेंशन नहीं, आग लगी लगी, परचेज में से माइनस कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमारी एसेट बन जाएगी, तब दो इफेक्ट होंगे, लेकिन जनरली वैसा होता नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पूरे पैसे देती नहीं है, और देती भी है तो हम नहीं देंगे, हम तो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, ऐसा बुक्स कहती है कि 80%, 70%, 90%, ताकि बच्चों को परेशानी हो, और बच्चों को कितने इफेक्ट दिखाने पड़े, थ्री इडियट्स की तरह थ्री इफेक्ट्स, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जरा आप सोचिए जिसमें तीन इफेक्ट आ रहे हैं। Now, as time and finish हो रहा है, एक छोटा सा सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं बच्चों, और वो सजेशन क्या है जल्दी से सुनिएगा, एक मिनट रुकिए प्लीज। ये कुछ दूसरे बालक भी हमारी क्लास में आ गए थे, उनको हमने रिमूव कर दिया। अब सुनना आप सब, यू ऑल आर नाउ एलिजिबल फॉर ऑल द लॉन्ग इलस्ट्रेशंस ऑब्लिक क्वेश्चंस ऑफ योर रिफ्रेशर डीके गोयल और एनसीईआरटी वट एवर यू हैव। अब एक ही प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम क्या है, स्टिल कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं, Maybe one or two, जो आपने नहीं कर रखे, जिसमें आपको बताऊं तो दिखेगा, फर्दर बैड डेट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट, पीबीडी से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिख सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये मैंने आपको भी नहीं करा है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता ना कि आप कहें चैप्टर सच में बहुत हार्ड है, ये दो तीन एडजस्टमेंट थोड़े गंदे हैं। तो इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन दिखता है तो सर कैसे करेंगे, बिंदास, अगर आपको 7 एडजस्टमेंट दिख रहे हैं किसी क्वेश्चन में, उसमें से 2 एडजस्टमेंट आपको नहीं आते, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने वो बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिसमें पीबीडी आ गया या मे बी मैनेजर्स कमीशन आ गया, जो अभी तक मैंने नहीं कराया, जो मैं आने वाली क्लास में कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, बट अभी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है स्टूडेंट्स, कि आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या एग्जाम्पल लीजिए, और अगर उसमें कोई ऐसा एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको नहीं कराया, आपको आता नहीं है और मैंने नहीं करा है, दोनों अलग स्टेटमेंट, आपको नहीं आता डाउट पूछिए, और अगर आपने डाउट पूछा और मुझे लगा कि ये भैया इसमें से बिलोंग करता है, फर्दर बैड डेट्स, पीबीडी, पीडीडी या मैनेजर कमीशन, जो समझाना थोड़ा सा टिपिकल है अभी, वेट उषा, जो समझाना ऑन द स्पॉट थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्या कर दीजिए बेटा उसको इग्नोर, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बैलेंस शीट का टोटल आपका आपस में मैच होगा ही होगा, बुक से नहीं होगा, बुक से नहीं होगा, डजंट मैटर, आपका अपना पर्सनल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, देन नेट प्रॉफिट आएगा, देन बैलेंस शीट का टोटल आपका आपस में मैच होगा ही होगा, 100% होगा, तो यानी कि आज से आप एलिजिबल है कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए। यस सुशांत, व्हाट इज योर डाउट बेटा? यस सुशांत, एनी डाउट? फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ठीक है बेटा, आप पर्सनल स्क्रीनशॉट भी लिख के भेज सकते हैं, जिस भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो, यू कैन सेंड अ मैसेज, राइट? लेकिन मैक्सिमम हम कर चुके हैं, 8 to 9 हम कर चुके हैं ना, 3-4 बाकी मेजर जो है बेटा, और वो होते ही समझ लो आप फ्री हैं, तो अभी भी आप एलिजिबल है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो एडजस्टमेंट नहीं करा उसको छोड़ दो, उसको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिखाओगे तो आंसर आपका आपस में तो मैच होगा ही होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, अगर आपने एडजस्टमेंट छोड़ दिया तो उसको कहीं पे भी नहीं दिखाया,
तो आपका पर्सनल आंसर तो मैच होगा ही होगा, बैलेंस शीट का कंफर्म है, कैसा लगता है बात? राइट, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये फाइल मैं आपको सेंड करता हूँ बेटा, प्लीज घर पे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करते रहिए, नहीं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय स्टूडेंट्स।